नहीं, बेइज्जती नहीं करनी है बिल्कुल। अभी तक ना मेरे जूते में पानी नहीं घुसा था, बट अभी घुस गया भाई मेरे। आईफोन भी आ गया 14, बट मैं ले नहीं पाया, समझ लो बात, हालात वैसे नहीं है। बट यार ये ड्रीम है, एक दिन हो जाए। माय गुडनेस मैन, लुक एट द लेवल ऑफ वाटर मैन। मानी नहीं तू है, बड़ी ढीठ है। अरे बारिश से बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ना रुक गई थी, मैंने बोला था मत बरसियो, ठीक है। अभी तैयार हो गए, रेडी हुए, जाना था हमें बाहर क्योंकि आज सैटरडे है और अपनी S1000R वापस लेके आनी है। और जी हम क्या देख रहे हैं, बारिश दोबारा से चालू हो गई, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अब भैया बारिश तो नहीं रुक रही है, बट फिर भी आज का शुरू कर देते हैं व्लॉग। व्हाट्स अप यू ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज जेसन ग्याल चाल, सत श्री अकाल। तो एक हफ्ते पहले मैं अपनी S1000R छोड़ के आया था पार्थ पेवर्स पे, उसमें हम कुछ काम करा रहे थे रेस ट्रैक से रिलेटेड और एयर फिल्टर भी डालना था। तो आज मुझे कॉल आया था कि फाइनली द बाइक इज रेडी, सो जस्ट आई वाज अबाउट टू गो एंड पिक इट, बट किस्मत को जो मंजूर, पानी दा रंग वेख के अखियां च। लाओ सही टाइम पे आया भाई साहब। तो देखो ऐसा है ना, खाना जरूरी है और वो भी घर का बना खाना का, तो बात ही अलग है। रोज कौन पेलता है हेल्दी डाइट छोले भटूरे हैं। ऑफिस में सबसे फेवरेट जो बाहर से चीज आती है वो है छोले भटूरे, ऑलमोस्ट हर सेकंड डे हम लोग खाते हैं क्योंकि बहुत हेल्दी होते हैं सुना है। बट फिलहाल भिंडी आई है और यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास रायता है और है रोटी, तो चलो ये खा लेते हैं उसके बाद निकलते हैं। देखो स्वाद सा खाना तो खा लिया है, बट फ्री की चाय पीने के लिए हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि हम बहुत ढीट हैं। इसलिए हमने क्या किया, देखो अंदर में पहन लिया एक लाइनर, वाटरप्रूफ लाइनर, और नीचे पहन लिया वाटरप्रूफ पैंट। अब आराम से निकल सकते हैं, बारिश का सामना कर सकते हैं, बट फिर भी मैं देखूं क्या अभी हो रही है। ओ यार ये रुक गई, हो रही है, मैं तो पहन लिया अंदर, अच्छा सारा जुगाड़ कर लिया मैंने। तो चलो यार दोस्तों निकलते हैं जैसे तैसे, क्योंकि यहाँ बैठा नहीं जा रहा। सैटरडे को वीकेंड में ना बड़ा डिप्रेसिंग हो जाता है ऑफिस में बैठना, सीरियसली। लेट्स गो, सी यू ऑन द मोटरसाइकल्स। भाई अपने आप से, अपने आप से। बंदा बोल रहा है किससे बातें कर रहे हो, मैंने बोला मैं इतना अकेला हूँ मैं क्या बताऊँ। तो ऐसा भी हो जाता है दोस्तों, लोग ब्लॉग करते हुए देखते ना, ऐसे हाथ वाथ चलते हुए देखते हैं तो समझ जाते हैं कि भाई ये बंदे का स्क्रू ढीला है, अनाड़ी आदमी है, खिलाड़ी आदमी है, उन्हें पता नहीं है, समझ रहे हो। सो ये सीन है, बट देख रहे हो दिल्ली में बरसात हो ट्रैफिक ना लगे ऐसा होता नहीं है वैसे, बट हमें लगा था एक्सेप्शन आज होगी, हम जाएंगे सैटरडे मनाएंगे, बट यहाँ तो भैया संडे राइड भी खतरे में है क्योंकि कल तक की प्रेडिक्शन है कि बारिश रुकेगी नहीं, थमेगी हल्की पुल्की, बस छोटी मोटी बूंदाबांदी चलती रहेगी, कभी तेज होगी क्योंकि जब हम ऑफिस में थे काफ़ी तेज थी, अभी हो गई है स्लो। बट यो माय ब्रो, ये जो बाइक है ना बहुत क्रेजी बाइक है भाई, 9000 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमने कर दिए इस पर, बहुत बढ़िया चलती है, कोई खर्चा नहीं मांगती है, एवरेज भी अच्छी आती है। देखो 3.2 लीटर लग रहे हैं 100 किलोमीटर करने के लिए, तो मतलब 30 प्लस की एवरेज है ये पक्की बात है। और कितनी चल गई है, 8517 किलोमीटर, बहुत स्मूथ है, अभी भी कोई जर्किंग नहीं है, कहीं पर कोई इशू नहीं है। बट हाँ एक बेसिक सर्विस मुझे करानी है, बहुत चला दी है तो भैया इसका एक सर्विस ड्यू है जिसको मैं जल्दी करवा दूंगा। एंड सर्विस ड्यू से याद आता है पता है क्या, खर्चा, खर्चा बोले तो मेरी जो है ना GSA, इसको भी एक साल हो गया, तो एक साल बाद वाली सर्विस है। पहली सर्विस हुई थी शायद 1000 किलोमीटर पे, अगली होनी थी 10000 किलोमीटर या 1 ईयर, तो एक वो ड्यू आई हुई है उसका भी मुझे पता है, जब मैं सर्विस पे भेजूंगा 15-20 हज़ार पे लग जाएंगे। और अभी काम धंधा टाइट है भाई, सोच सोच के एक एक रुपया खर्चा जा रहा है क्योंकि हालात वैसे नहीं है। आईफोन भी आ गया 14, बट मैं ले नहीं पाया, समझ रहे हो बात, हालात वैसे नहीं है, पैसे की थोड़ी तंगी हो गई है भाई। आप हंसोगे इस बात से, बट रियलिटी है, चीज़ें लेते रहो पता नहीं लगता, बट अगले साल जब इकट्ठी 3-4 बाइकों की इंश्योरेंस सेम मंथ में आ जाए ना, और गाड़ी की भी आ जाए, क्योंकि आज ही के दिन मैंने गाड़ी ली थी लास्ट ईयर क्रेटा, उसकी भी कल मैंने इंश्योरेंस करवाई है, क्रेजी एक्सपेंसिव भाई। ऐ चाहिदा, ऐ चाहिदा, ये वही लॉन्डे तो नहीं है भाई। भाई क्या कल्चर आ गया साइकिलिंग का, हर जगह साइकिलिस्ट नजर आ रहे हैं, सैटरडे है संडे है,
मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था ना, कुछ बच्चे मिले थे मेरे को भाई, एक से एक साइकिल थी सबके पास, तो सबने लेके कस्टम कर रखी है, तो मुझे भी ये कल्चर में घुसना है। प्लान कर रहा हूँ मैं छोटे से, मतलब 25,000 की साइकिल लेना चाह रहा हूँ, 25-30,000 रुपए की। अगर मेरे को लगा कि मैं उसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर पाया हूँ, कि एक घंटा रोज निकालूं मैं साइकिलिंग का, या डेढ़ घंटा निकालूं, या ऐसा एक सर्कल बन जाए मेरा, क्योंकि मेरे घर के यहाँ पे है संजय वन और उसके अंदर में ट्रैक बना हुआ है, बहुत ही ना शांत पीसफुल लोकेशन है। सड़कों पे चलाने में मुझे भी डर लगता है भैया, मेरे को सबसे ज्यादा डर बाइक चलाने में पता क्या लगता है, कोई मेरे को पीछे से ना ठोक दे, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे को पता नहीं क्यों, मतलब बचपन से है या क्या रीजन है, साइकोलॉजिकली मेरे को एक डर है कि कोई पीछे से ना ठोके, क्योंकि ठोकेगा मेरा ध्यान इधर उधर होगा और जो इम्पैक्ट होगा ना बैकबोन पे या बाकी चीजों पे नहीं, बेइज्जती नहीं करनी है बिल्कुल, कल को हमें चलाने को मिलेगी हमारे दोस्त बनेंगे। नहीं, बहुत अच्छी गाड़ी लगती है हमें, लुक्स तो अमेजिंग है भाई, अमेजिंग लुक्स है, मतलब देखो दिल पे मत लेना प्लीज पता लगे कि ऐसा होता है कई बार हम किसी बाइक की ना बेइज्जती मार देते हैं या किसी बाइक पे कुछ बना देते हैं तो लोगों को ना मतलब ऑफेंड हो जाते हैं, स्पेशली कंपनी वाले मार्केटिंग में, और हमें फिर काम भी नहीं मिलता, ना हमें पेड प्रमोशन मिलते हैं, ना बाइक चलाने को टेस्ट राइड बुलाते हैं, ना वो किसी इवेंट पे बुलाते हैं, तो ऐसा मेरे साथ तो बहुत हो चुका है, मैं बहुत बदनाम हूँ शुरू से, तो मैं नहीं चाहता हूँ, प्लीज दिल पे कोई नहीं लेगा। ओ भाई साहब, बारिश तेज हो चुकी है और हमें क्या दिख रहा है, 10 नंबर की डिफेंडर, और यहाँ पे देखो हम अकेले नहीं है जो ग्लव्स के ऊपर से पिन्नी नहीं हटाते, लोग नई स्कूटी लेते हैं उस पर भी पिन्नी लगाते हैं ताकि थोड़े दिन तो पता लगे, पैसे खर्चे हैं ताजे ताजे। देखो विंडस्क्रीन पे भी हमारी ये पिन्नी लगी है, पिन्नी बड़े यार, ये ड्रीम है एक दिन हो जाए, बट इससे पहले 2 सीटर। ओए होए होए होए, सपने देख रहे तो फ्री है भैया, देखो देखो देखो, हम भी मजाक मजाक में बोल देते थे एक दिन भूसा लेनी है, ले ली ना, समझ रहे हो, बट बारिश बहुत तेज हो गई यहाँ पे, और बारिश से भी ज्यादा छींटे पता कहाँ से आ रही है, ये जो व्हीकल्स आगे चल रहे हैं ये उड़ा रहे हैं। अभी तक ना मेरे जूते में पानी नहीं घुसा था, बट अभी घुस गया भाई, मेरे आईफोन भी आ गया 14, बट मैं ले नहीं पाया, समझ रहे हो बात, हालात वैसे नहीं है, अभी घुस गया बट ठीक है यार, दिस इज द रियल फन राइडिंग इन द रेन ब्रो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है अनटिल ये आवाज क्लियर आनी चाहिए, समझ रहे हो, व्लॉगिंग सेटअप भीग जाता है, ऑडियो खराब हो जाता है, ये दिक्कत रहती है बस बारिश से, बाकी तो सब चंगा है, बट यार बारिश बहुत तेज है, एज कम्पेयर टू माई प्लेस इट्स टू तेज। तो भाई ये सुपर वाले मौसम में सुपर चाय बनती थी, वो भी एक नहीं दो दो, इसीलिए यहाँ पे हमने 2 चाय पी ली है बैठे बैठे, आए भी 1 घंटा हो चुका है, अच्छी बात है, अपना रेन लाइनर काम कर गया था, सूखे हुए हैं, अभी भी बाहर बारिश नहीं रुक रही है, यू कैन सी इट्स रेनिंग, एंड मेरी बाइक का काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने फॉर अ चेंज इसमें डाला है एक फिल्टर, दैट इज MWR, मतलब MW रेसिंग, इटली बेस्ड कंपनी है, एंड दिस इज अ फॉर्म बेस्ड फिल्टर, रीयूजेबल फिल्टर, 1,00,000 किलोमीटर तक मैं इसको क्लॉक कर सकता हूँ, सो इट्स गोना बी फन। रिकमेंडेशन थी यहाँ पे पीयूष भाई की, अब परफॉर्मेंस देखेंगे जिस दिन मौसम खुला हुआ होगा उस दिन बाइक भगा के देखेंगे, अभी तो बारिश में चलाएंगे, और भाई यहाँ पे आके चाय तो ज़रूर पीना, चाहे शॉपिंग करना नहीं करना, बाइक में काम कराना नहीं कराना, बट यहाँ पे चाय की क्वांटिटी 1 नंबर, मच रिकमेंडेड। तो दोस्तों आप मेरे को सुन रहे हो हीरो 10 से, जो मेरा हीरो 7 है ना उसके अंदर पानी घुस गया और वो ख़राब हो गया अभी के लिए टेम्परेली, मतलब चल नहीं रहा है, तो 10 से ब्लॉग कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव नो ऑप्शन, इसलिए थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ ताकि मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो जाए विदाउट एक्सटर्नल माइक, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा आपको ऑडियो के साथ में, बट प्लीज़ इग्नोर, आई गोना हैव फन इन द रेन, आई गोना राइड दिस बैक होम, एंड सीरियसली मैन इसको इतने दिन के बाद देख के बड़ी खुशी हो रही है, इट्स अ ब्यूटिफुल मास्टर पीस मैन, इट्स अ ब्यूटिफुल मास्टर पीस, ये भी कम नहीं है हमारी ब्यूटी। Mm-hmm.
वार्म अप मजा आ गया। चलो successful man, rain ride complete and our beautiful bike is back in the office. क्या बारिश है, रुकने का नाम नहीं ले रही, जो दिल्ली से relate कर सकते हैं भाई, आज सुबह से ही चल रही है और अच्छी खासी हो रही है और अभी इस टाइम पे ना इतना जाम लगा हुआ था, बहुत मुश्किल यहाँ पहुंचा हुआ है। बड़े एक बार जरा हाल तो देखो, देखो पूरा भीग गया और इनफैक्ट मेरे को ये लगा था ये ना मेरी डायनीजी की जैकेट के साथ आया था लाइनर, मुझे लगा वाटर प्रूफ होगा, पर ये भी धोखा दे गया आज मुझे। अभी देखो ऊपर से मैं भीग गया हूँ, हाथ मेरे गीले हो चुके हैं, बट जो बचा हुआ है वो पैंट भी भीग गई। ओ माय गॉड, ये कैसा रेन कवर है भाई, समझ में नहीं, आज तो बहुत बेइज्जती हुई हमारी। अब प्लान ये है, घर जाएंगे, 5:30 हो रहे हैं, इनफ टाइम है मेरे पास, मैं आज कोई ना कोई नई सीरीज शुरू करूंगा, घर पे बैठेंगे, चाय पकौड़ा साथ में करेंगे। बट कल की भी मेरे को लग रहा राइड कैंसिल है क्योंकि कल भी बारिश है ना, तो गाड़ी में ड्राइव तो हो सकती है। सो वी कैन प्लान अ ड्राइव टुमारो बट नॉट अ राइड, बट मे बी आई कैन राइड इफ आई गेट अ प्लान। मतलब आज मेरा एक प्लान था, दिलजीत पाजी को फोन किया था, मैंने बोला यार चाय पकौड़ा खिला रहे हो तो बताओ मैं आऊँ, तो उन्होंने बोला यार पाजी मैं तो घर ही हूँ, आज छुट्टी पे हूँ, अगर वो होंगे उस तरफ तो कल मे बी वी कैन डू अ रेन राइड पार्ट टू, इफ नॉट देन मे बी ड्राइव। सो वट एवर इट विल बी आपको पता तो लग ही जाएगा, बट आज बहुत दिन के बाद ये यहाँ ही है ना और मैंने चलाई है, मेरे को तो उमलिंगला पहुंच गया था मैं रोड ट्रिप पे, क्योंकि लास्ट वहीं चलाई थी, उसके बाद दिल्ली में मैंने राइड नहीं करी, बट आज कर रहा था ना, बहुत कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं आई। इतने ट्रैफिक के अंदर में ना क्लच लूज नहीं हुआ, अगर डुबाती होती तो शायद हो सकता था, इतनी हीट भी नहीं हुई, इट वॉज क्वाइट अ फन, आई एम हैप्पी दैट इट इज हेयर। सो नाउ वी विल क्लोज दिस वीडियो दोस्तों यहीं पे ही, आपको अच्छी लगी तो आपको पता है करना है क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलेंगे बहुत जल्दी अगले ब्लॉग के साथ में, अंटिल देन साइनिंग ऑफ जेसन, बाय बाय, रहमत मेहनत प्यार, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।